सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। तो वेलकम S1 फैमिली में आप सबको। और आज का व्लॉग होने वाला काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं सोनिया की बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग के ऊपर। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा होने वाला है और सब काफ़ी प्यारे लगने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द वेडिंग व्लॉग। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी सिर्फ हमने फेशियल वगैरह किया है, जैसे कि आप लोगों को अभी दिखाया था कैसे सो सो के लोग मेहंदी लगा रहे, फेशियल कर रहे, क्योंकि रात को तो ये लोग सोए नहीं थे और अब दिन में ये लोग सो रहे जब काम करने की बारी है। तो अभी सिर्फ हमने फेशियल वगैरह किया, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद बांट लेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, वक्त तक ऑलमोस्ट 6:00 हो जाएगा। तो इस लोग के साथ बने रहे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेहंदी लगा के ड्यूटी पास सो चुकी है। अरे कितने गंदे तरीके से अमीना ने नेल पेंट लगाई है सब बार बार। आज सोनिया उसका कत्ल कर दी। मारो मारो उसके लात, मारो भाई जो आते हैं वो बाहर बाहर। अल्लाह पैर खराब कर दिया सोनिया। तो ये हमारी मोटू लेटी हुई है। Hey friends, देखे मैंने भी ये फैशन लगा लिया और ये रही मेरी मेहंदी। मुझे आती नहीं लगानी। और मेरे बराबर में बैठी हुई है सोनू, ये रही उसकी मेहंदी और इन्होंने कुछ लिखा भी है। हाँ हाँ, दिख रहा दिख रहा। बस इंतजार है कि ये मेहंदी सूखे और हेयर्स नहीं भरे। मेरे लगा दी तुमने, खराब कर दी तुमने, कर दी मेरी खराब। अच्छा दोस्तों, क्रीम भी सेम लगा ये ने। मैं और अमीना ये कहते और मेरी तबीयत खराब है और तो ये बटन मैंने नहीं लगाई। जैसे मैं अभी कॉटन को ला लेती हूं। नचिया S1 ने लगाई है सिर्फ मरवा के मेहंदी, बाकी किसी के भी नहीं लगाई। तो मरवा कैसा फील हो रहा है? स्पेशल स्पेशल मैंने लगाई, अमीना ने लगाई सोनिया के। ये लोग तो भूल चुके मैंने। और सोनिया ने भी हाथ में टिकिया लगाई। मुझे सबसे बुरी लगती है टिकिया, क्या है नहीं लगाई। हमने अपना फेस वॉश कर लिया, मुझे सबसे बुरी लगती है। मुझे ब्राउन मेहंदी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने नहीं। इसे कुछ भी नहीं पसंद नहीं। देखिए गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और मेरी मेहंदी मेरी बहुत ख़राब रंग आया रुकट। बाकी मैंने फेस वो अपना वॉश कर लिया, मुझे एक अलग सी ना फील आ रही है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हॉल में और अभी तक दुल्हन भी नहीं है। मैं आपको उसका स्टेज दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेम्परिंग लग रहा है मुझे उसका स्टेज। लुक एट इतना ब्यूटीफुल स्टेज बनाया है इन लोगों ने और ये अलग अलग किस्म के इन लोगों ने झूमर बनाया। बहुत फैंटास्टिक हॉल है। और सोनिया और इकरा भी गए हुए ऊपर दुल्हन से मिलने, यानी कि मनारा से मिलने। और अभी तो बोरियत ही जा रहा है सब कुछ, बिकॉज ना सॉन्ग्स है, ना दुल्हन है, ना दूल्हा है। और हम लोग ऐसे बैठे हुए क्योंकि सोनिया भी नहीं, इकरा भी नहीं यहाँ पे। आप दुल्हन और ये रही मरवा। तो एक अपना आउटफिटर दिखा दो। अमीन अपना आउटफिटर दिखा दो, इससे पहले यहाँ पर रश हो जाए। रुको जरा, सबर करो। अभी बारात आने वाली है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बारात कैसे आएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो इस तरफ है हम, उस तरफ है भाई, ठीक इधर ही बैठे हैं हमारे भाई और इस तरफ है हम। और ये मैं दिखा देती हूँ सब कहाँ बैठे हैं। गाइस, अभी निकाह पढ़वाया जा रहा है। सो हमने दुपट्टा पहन लिया क्योंकि निकाह पढ़वाया जा रहा है। हम लोग सुनाई तो दे रही होगा।
और यहाँ पे सोफिया आपकी बैठी है, मम्मा बैठी है, मैंने गाइस यहाँ पे मॉल में खुतबा दे रहे हैं, लेकिन वो खुतबा भी आके बच्चे सुन रहे हैं। इतना शोर, ऐसे अलग अलग किस्म के बच्चे आए हैं, दिल चाह रहे बस। और हम ये भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और कितने पता नहीं कौन है। तू पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो, किधर किधर किधर, उधर देखो, मुर्गी है मुर्गी। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो हमारी कमियां बताई हैं या अल्लाह तू उन्हें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह खुशी के इस मौके पर हम तेरे सामने दस बदुआ हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं। और आमतौर पर बाबू भैया राजू कष्टा ये मुझे हरी घड़ी खासी रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता, अब कुछ और कहे दिल मेरा शोर कर बन गया तू मेरा राजा। मेरे सब हमको सिखा रहा है। अच्छा, और जब सोच महीना की आ रही है और इसमें सॉन्ग्स वगैरह कुछ नहीं है, लाइक मैं थोड़ी सी बोर हो गई हूँ, थोड़ी सी मैं बोर हो गई हूँ बिकॉज ये बच्चे यहाँ पे बहुत शोर कर रहे हैं। एवरीवन है, जब तक बारात नहीं आती एवरीथिंग इज ओके एंड बाराती तो गाइस शादी तो एंड हो चुकी है और डिनर के वगैरह डिनर लग गया है और गाने तो नहीं बजे क्योंकि ये थोड़ी हिजाबी टाइप के लोग हैं, तो इसमें शादी बहुत सिंपल थी, दो पार्ट में थी, लड़के अलग लड़के अलग। अभी दूल्हा आया हुआ है, जैसे कि आपके पीछे दिख रहा होगा दूल्हा आया हुआ है अभी मनारा के पास, और लाइक खाने लगे सही है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा, मनारा सोनिया की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आज हम लोग इस शादी में आए क्योंकि उसे मना नहीं कर सकते थे। और टाइम निकालना आप लोगों को पता है हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, बट अच्छा मज़ा आया, आज का दिन बहुत इन्जॉयमेंट था, बहुत अच्छा था। आप लोगों को मेरा आउटफिट कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, घर जाएंगे।